हेलो गाइस, दिस इज सौरभ, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चारकोल पेंसिल को अपनी स्केचिंग में किस तरह से यूज करना चाहिए, अपने स्केचेस में, पोर्ट्रेट्स में किस तरह से यूज करना चाहिए। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हमें चारकोल पेंसिल से सीधा ड्रॉ नहीं करना चाहिए, पहले आउटलाइन ड्रॉ करनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि चारकोल पेंसिल डार्क होती है, फैल जाती है तो इरेज नहीं होती है वो। तो उससे सबसे पहले हम आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यू कैन सी दैट। उसके बाद मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ इसके ऊपर से। एंड चारकोल पेंसिल का यूज़ हमें ओनली डार्क एरियाज के लिए करनी चाहिए, लाइक बियर्ड, हेयर्स, आइज़ वगैरह के लिए। इस वीडियो में मैंने ऐसे ही किया है, यू कैन सी दैट। आइज़ के लिए मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है एंड बियर्ड्स के लिए भी। एंड हमें स्किन टेक्सचर के लिए चारकोल पेंसिल का यूज़ नहीं करना है, यू कैन सी दैट। स्किन टेक्सचर के लिए मैं ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि स्किन टेक्सचर स्मूथ होना चाहिए, तो वो चारकोल पेंसिल से नहीं हो पाता है क्योंकि चारकोल पेंसिल डार्क होती है। ग्रेफाइट पेंसिल से हम काफ़ी लाइट शेडिंग कर सकते हैं, तो स्किन टेक्सचर हमें ग्रेफाइट पेंसिल से ड्रॉ करना चाहिए। एंड अब हेयर्स के लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, यू कैन सी दैट। बेसिकली चारकोल पेंसिल का यूज़ ओनली डार्क एरियाज़ के लिए करते हैं। इस वाली ड्राइंग में भी मैं सेम मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, पहले अच्छे से आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बाय यूजिंग मैकेनिकल पेंसिल। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ चारकोल फॉर आइज़ एंड आईब्रोज। चारकोल पेंसिल से काफ़ी रियलिस्टिक आइज़ ड्रॉ हो जाती हैं, क्योंकि ये काफ़ी डार्क होती है। एंड अब फेस के लिए तो मैं ग्रेफाइट ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फेस का टेक्स्चर काफ़ी स्मूथ होता है, यू कैन सी दैट। एंड ग्रेफाइट पेंसिल काफ़ी ईजिली इरेज भी हो जाती है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। एंड चारकोल पेंसिल इरेज नहीं होती अच्छे से। एंड चारकोल पेंसिल का यूज़ हमें काफ़ी केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि ये फैल जाती है। नाउ मैं हेयर्स के लिए चारकोल का यूज़ कर रहा हूँ, हेयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं हम चारकोल पेंसिल को। एंड इसको ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ ब्रश। एंड क्लॉथ्स के लिए भी मैं ग्रेफाइट ही यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ चारकोल पेंसिल्स। तो ये है मेरे पास चारकोल पेंसिल्स, सॉफ्ट एंड नॉर्मल। तो अब मैं आपको शेड करके दिखा देता हूँ, काफ़ी लाइटली शेड कर रहा हूँ, बिल्कुल लाइटली, फिर भी कितना डार्क हो रहा है, यू कैन सी दैट। अब इसको ब्लेंड करते हैं, तो गाइस यू कैन सी दैट कितना डार्क है। तो इनको डार्क पेंसिल, डार्क एरियाज के लिए यूज़ करना चाहिए। एंड डार्कनेस में तो ये ग्रेफाइट पेंसिल से बहुत ज़्यादा डार्क होती हैं, यू कैन सी दैट। एंड ये फैल भी जाती हैं जल्दी से, एंड फिर इरेज भी नहीं होती हैं, तो काफ़ी केयरफुल है। अब मैं आपको ड्राइंग्स दिखा देता हूँ। तो इसमें मैंने जैसे कि आपको दिखाया है, हेयर्स के लिए, बियर्ड के लिए, आईज़ एंड आईब्रोज के लिए मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है, बाकी मैंने ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ किया है। इसमें भी यू कैन सी दैट आईज, आईब्रोज एंड हेयर्स। एंड नीचे वाले पार्ट के लिए भी मैंने चारकोल का यूज़ किया है, क्योंकि वो डार्क है, यू कैन सी दैट। फेस का टेक्स्चर देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया आ रहा है ग्रेफाइट पेंसिल से। एंड इसमें भी मैंने हेयर्स के लिए चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है, यू कैन सी दैट काफ़ी रियलिस्टिक हेयर्स ड्रॉ हो जाते हैं चारकोल पेंसिल से। बाकी मैंने आईज़ के लिए भी चारकोल पेंसिल यूज़ किया है एंड आईब्रोज के लिए भी, बाकी पूरा मैंने ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ किया है। सो गाइस, बस यही है इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चारकोल पेंसिल का यूज़ कहाँ पर करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव ए बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।